हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एमपी के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल लेट्स टेक एमपी एग्जाम्स में। और एमपी के जितने भी एग्जाम है, अगर आपको उसे क्लियर करना है तो इस टीम का आपको सहारा लेना ही होगा। सबसे बड़ी टीम भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और मैं अजय सरकार। और जैसा कि आप जानते हैं अकेडमी पर कैसे हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी झलक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, वट यू विल गेट ऑन अनअकैडमी। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, आप एजुकेटर के साथ बात भी कर सकते हैं। जैसे कि आप ऑफलाइन क्लासेस में डाउट्स वगैरह पूछते हैं, तो वैसे यहाँ पर भी आप डाउट्स पूछ सकते हैं और उनके साथ डिस्कशन इंगेजिंग हो सकते हैं। जैसे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप घर बैठे भी अपने दोस्तों के साथ क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। यही लाइव क्लास का फायदा है। और उसके बाद लाइव क्लास के बाद लाइव टेस्ट आपको देना है, तो लाइव टेस्ट भी आपको अनअकैडमी पर मिलेगा, लाइव क्विजेस भी आपको मिलेंगे और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिलेगा। इसके बाद स्ट्रक्चर कोर्स जो होगा, ये आपका सिक्वेंस में ही चलेगा, सिक्वेंस में ही चलेगा सारा का सारा कोर्स। यही इसका फायदा है। और अनलिमिटेड एक्सेस। अच्छा, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये है कि भाई, एक वीडियो को आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार आप एक्सेस कर सकते हैं। केबल और केबल एक ही सब्सक्रिप्शन में आप एक वीडियो को बार बार एक्सेस कर सकते हैं। मन चाहे आप रात में, दिन में, कभी भी जहां जाए, ऑफिस में बैठकर भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद लाइव क्लास में कुछ टीचर्स हैं यहाँ पर, टॉप एजुकेटर्स जिनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, और उनमें से ही कुछ चार ऐसे एजुकेटर्स और भी एजुकेटर्स हैं टॉप, ठीक है। और कंप्रेंसिव सिलेबस आपको मिलेगा। जी हाँ, कंप्रेंसिव सिलेबस मतलब आपको एक ही स्लाइड पर, जैसे मान लीजिए ये ज्योग्राफी है, तो इसके क्लिक करेंगे तो आपको ज्योग्राफी का पूरा मटेरियल मिल जाएगा, हिस्ट्री का मटेरियल मिल जाएगा, इंडियन पॉलिटी का मिल जाएगा, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिल जाएगा, एथिक्स का मिल जाएगा, इंडियन इकोनॉमी का मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था प्रैक्टिस स्ट्रेटजी भी आपको मिलेगी कि कैसे एग्जाम को आपको एग्जाम में कैसे बेहतर बनाना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद सी सेट का भी यहाँ पर दिया हुआ है, सी सेट भी आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। जी हाँ, तो इस पूरे सब्सक्रिप्शन के लिए आपको देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर आपको देना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट नंबर आप जैसे ही डालेंगे, उसके बाद आप कि ऐप जो है वो मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करें, एग्जाम को सेलेक्ट करें। जरूरी नहीं है कि आपको एमपी या वेपम के एग्जाम ही सेलेक्ट करना है, आप यूपीएससी की भी एग्जाम को सेलेक्ट कर सकते हैं, एसएससी एग्जाम को सेलेक्ट कर सकते हैं, रेलवे की एग्जाम को सेलेक्ट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लीजिए। देखो, एक महीने में कोई पढ़ाई नहीं होगी, ना ही तीन महीने में भी आपकी पढ़ाई नहीं हुई। आप देखें यहाँ पर 12 महीने में आप जितना चाहें उतना एक्सेस कर सकते हैं। तो एक बार परचेस करें 6300 रुपए में। कैसे मिला 6300 में? अरे ये 7000 का है भाई। आप अगर इस रेफरल कोड का यूज करेंगे, गवर्नमेंट का, सरकार SARKAR सरकार को यूज करें और रेफरल कोड में 10% का डिस्काउंट ले, 6300 रुपए में आपको मिलेगा। उसी प्रकार से अगर आप 2 साल का लेना चाहते हैं, 24 महीने का अगर लेना चाहते हैं, तो 24 महीने में आपको देखिए 8400 रुपए का ये है इसका पैकेज। तो आप 7560 रुपए में बहुत ही सस्ता, किफायती और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आपको ये मिल रहा है। तो आप इस पर ध्यान दें, कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। अगर आप 6300 बाहर भी आप पढ़ने जाओगे तो आपको देखिए, ये तो रूम का रेंट ही है, जैसे मैं पे कर रहा हूँ अभी फिलहाल की कंडीशन में, रूम का रेंट 3000 रुपये तो मेरा पे कर रहा हूँ, उसके बाद अलग सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें तो आप पढ़ने के लिए आप कर सकते हैं, अगर मैं पढ़ाने के लिए कर सकता हूँ तो आप पढ़ने के लिए क्यों ना कर सकते हैं। 6300 रुपये में आपको ये बहुत ही सस्ता मिलेगा, बिल्कुल। जी हाँ, रेफरल कोड का यूज़ करना है सरकार, और इस रेफरल कोड को फैला दीजिए मार्केट में, बहुत ही ईजी है, याद भी रख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं उस टॉपिक की, इस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम, जिसका पार्ट 4 में लेकर आया हूँ। हाँ जी, पार्ट 4 लेकर आया हूँ। पार्ट 3 में आपने जैसा कि पढ़ा था कि डिविजिबल रूल मतलब विभाजिता का नियम, जिस भी स्टूडेंट ने विभाजिता का नियम नहीं पढ़ा है तो एक बार पार्ट 3 जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। विभाजिता का नियम क्या होता है, वो सारी चीजें आपको इसमें यूज करने को मिलेंगी। देखिए,
सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जो जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये आंसर आ रहा है तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नंबर है 854 और यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है 54361, 3 से पूर्णतः विभाजित है, मतलब ये जो नंबर है ये एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है कि ये जो ब्लैंक प्लेस है मतलब रिक्त स्थान है, इस पर न्यूनतम मान क्या आएगा, न्यूनतम मान मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये बताना है कि ये नंबर अगर 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो आप मुझे बताइए इस प्लेस पर छोटे से छोटा नंबर क्या आना चाहिए। तो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा मैं उन्हें एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं, तो ध्यान से समझे क्या है, किसी भी नंबर में, अब देखो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है किसी भी नंबर में, मैंने लिखा यहाँ पे 1, 3 और 4, अब इस नंबर में 3 से मुझे डिवाइड करना है, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसकी कंडीशन ये होती है कि इसके जो डिजिट्स हैं मतलब इसके जो अंक है ना इनका योग, जैसे 3 और 1 कितना होता है 4, 4 और 4 कितना होता है 8, तो आप मुझे बताइए इसका सम हो गया है 8, मतलब अगर इनके सम में मतलब 8 में 3 से भाग अगर जा रहा है तो इसका मतलब है इस नंबर में भी किसका भाग जाएगा 3 का। अब मुझे बताइए 8 में तो डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से इसमें ही भाग में जाएगा। एक नंबर और लेते हैं जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, अब मुझे इसमें 3 से डिवाइड करना है तो पहले चेक करो फटाफट 2 और 4 6, 6 और 6 कितना होता है 12, तो 12 में 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3 × 12 बिल्कुल एग्जैक्टली डिविजिबल है, 3 × 4 = 12, तो आप मुझे बताओ इस नंबर में भी 3 का भाग जाएगा, 3 × 8 = 24 और 3 × 2 = 6, मतलब ये नंबर भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसी सवाल को हम यहाँ पर करते हैं, इस सवाल को जब यहाँ पर हम करेंगे तो आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए कि इस नंबर में मैंने यहां पे लिखा 5, मैंने लिखा यहां पे 4, जिन लोगों ने आंसर दिया बहुत अच्छी बात है, 5, 4, 3, 6, 1, अब ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 3 से, तो ऐसे सवालों को आप कैसे करें भाई, आप या तो ऑप्शन करें, क्या करें ऑप्शन उठाएं, या फिर हम पहले रूल लगाते, देखो 5 और 4 कितना हो गया 9, अब ब्लैंक पे कुछ नहीं है तो इसको जोड़ो, 9 और 3 कितना होगा 12, 12 और 6 कितना होगा 18, 18 और 1 कितना होगा 19, मतलब इसका जो योग आ गया मतलब जो सम आ गया वो कितना आ गया 19। अब मुझे बताओ 3 से 19 डिविजिबल है क्या, अगर हो भी जाता तो यहाँ पर तो हमें आंसर लिखना है ना भाई, अब आंसर देखो या तो 2 आएगा तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, 2 अगर लिखोगे तो 19 में 2 प्लस करो, देखो इनका सबका सम तो कितना आ गया 19 आ गया, अब मुझे यहाँ पे एक डिजिट रखना है तो मैंने 2 रखा, तो 2 अगर आप रखोगे, 2 वैल्यू मैंने पुट की तो 19 और 2 कितना होता है 21, कितना होता है 21, तो आप मुझे बताओ क्या 21 जो है वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर डिविजिबल है, 7 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है 3 से तक 21, मतलब यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करने पर इसका आंसर आ रहा है, लेकिन 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 भाई अगर आप 3 पुट करेंगे तो टोटल यहाँ पे क्या आ जाएगा 22, अगर आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो 4 अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो 19 × 4 = 23 होगा, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर अगर आप 5 रखते हैं तो आप मुझे बताओ यहाँ पे अगर आप 5 रखते हैं तो 19 तो टोटल हो ही गया था, 19 और 5 कितना होता है 24, तो ये 24 भी तो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है या नहीं है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर ये तो डिविजिबल है, तो आंसर 5 आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है न्यूनतम मान मतलब मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है, तो आप बताइए 2 मिनिमम है कि 5 मिनिमम है, अब इतना तो आपको पता ही होगा तो क्या मिनिमम है 2 मिनिमम है, इसलिए इसका जो आंसर होगा फाइनल वो कितना होगा 2 होगा, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे नन ऑफ दिस दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे नन दिया होता, तब आपको ऑप्शन से नहीं करना है, तब आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके चेक करना है, क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए ऑप्शन से कोई आंसर आ रहा है इनमें चारों में से तो वो तो आंसर टिक हो जाएगा, लेकिन अगर नन ऑफ है तो आप क्या करेंगे, अगर इनमें से आंसर नहीं आया तो नन ऑफ दिस लगाएंगे, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल है, फटाफट आंसर आना चाहिए दोस्तों, बने रहना आखिर तक, एकदम लास्ट में भी ऐसा सवाल दिया है मैंने आपको एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है इसमें, अगला सवाल है संख्या 89, क्या है 89 ब्लैंक 410,
ये जो नंबर है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 9 से। अब जिन्होंने देखा है पार्ट 3 तो वो देखिए 3 और 9 का जो रूल होता है डिविजिबल रूल वो क्या होता है भैया, सेम होता है। जैसे अभी हमने 3 के लिए अप्लाई किया वैसे 9 के लिए अप्लाई करना है। मतलब 9 से देखो, उसने बोला 9 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ पर एक ऐसा नंबर आएगा जिनका पूरे का सम करने पर 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल अगर होगा तो नंबर भी एग्जैक्टली किससे डिविजिबल होगा, 9 से। चलिए तो यहाँ पर बोल रहा है कि ब्लैंक प्लेस पर क्या आना चाहिए और तो न्यूनतम मान बताइए। तो न्यूनतम मान मतलब मिनिमम बैलेंस रखना है। तो पहले देखो रूल चेक करते हैं, 8 और 9 कितना होता है 17। अब ब्लैंक पे कुछ नहीं है तो 17 और 4 कितना होगा 21, 21 और 1 कितना होगा 22। अब इसका जो सम हो गया है, इसका जो सम हो गया है 22। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर मैं क्या रखूँ ताकि 22 में ऐड कर दें और उसको 9 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाए। तो आप देखो मैं अगर 3 रखता हूँ तो 3 वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा भैया 25। मतलब ये ब्लैंक प्लेस पे अगर आप 3 वैल्यू पुट करते हैं, 3 वैल्यू पुट करते हैं तो जोड़ने पर 25 आएगा जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। आंसर आ रहा है आप लोगों का, कमेंट कीजिए फटाफट, देखते हैं फटाफट कौन कौन कमेंट कर रहा है। देखिए 4 अगर रखोगे तो 4 रखोगे तो 22 और 4 कितना होगा 22 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 26 जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। अब 5 वैल्यू पुट करते हैं तो आप मुझे बताओ 22 प्लस 5 इक्वल्स टू कितना होगा 27 जो कि 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। जब 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो भैया 6 रखोगे तो 28 होगा जो कि डिविजिबल नहीं होगा। मतलब ऑप्शन 6, ऑप्शन ये 4 वाला और 3 ये सब इलेमिनेट हो गए, मतलब हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो गया वो कितना आ गया 5। जब आप इन सवालों की प्रैक्टिस करोगे ना डिविजिबल रूल की तो ये आपको देखते से आप ऑप्शन वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट वही आंसर होगा। ठीक है तो आप मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं 5 रखता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 5 रखता हूँ तो ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 कितना 7 जो कि 9 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। जब डिविजिबल है तो ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर ब्लैंक प्लेस पर क्या आएगा भैया 5। इसका फाइनल आंसर क्या हो गया 5। जितने भी लोगों ने 5 आंसर किया है वो सारे के सारे सही है। अगला सवाल आप देखना, अगला सवाल जो होगा वो भी आप ही को करना है लेकिन डिविजिबल रूल इसका अलग होगा। चलिए अब ये थोड़ा सा उन लोगों के लिए जिन्होंने पार्ट 3 देख चुके हैं उनको फटाफट आंसर करना है, जिन्होंने नहीं देखा है मैं उनके लिए अभी एक रूल फटाफट ये वाला बता देता हूँ। इसमें ध्यान से समझिए, देखिए अगर ये नंबर 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो आपको बताना है कि x के प्लेस पर क्या आएगा। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा डिजिट आएगा, वो डिजिट वैल्यू पुट करने पर 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो आप बताइए x की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो डिविजिबल रूल 11 का क्या है भैया, देखो मैं एक नंबर लेता हूँ छोटा सा, आप सबको पता ही होगा ये क्या नंबर है 1331 जो कि 11 का क्या है क्यूब है। अब मुझे इसे 11 से डिवाइड करना है तो आप मुझे बताइए क्या ये 11 से डिविजिबल होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर 11 से बिल्कुल डिविजिबल होगा। अब देखिए अब आप मुझे बताओ पहला नंबर इसमें क्या है 1। पहला नंबर कोई सा उठा लो, या तो ये उठा लो या पीछे से उठा लो। तो मैंने पहला नंबर 1 उठाया। अब आपको एक एक डिजिट छोड़ना है, ध्यान से समझना। पहला डिजिट या तो ये उठा लो या ये उठा लो, कितने भी डिजिट का क्यों ना हो नंबर, आपको कॉर्नर के कोई से भी एक डिजिट उठाना है। फिर आपको एक एक डिजिट को छोड़ना है। तो मैंने 3 को छोड़ा, अगले 3 को उठाया। अगर मान लीजिए एक और डिजिट होता मैं 1 को छोड़ता तो उसको उठा लेता। आ रहा समझ में, लेकिन यहाँ 0 नहीं है, ध्यान से समझना। अब देखिए मैंने इनको जोड़ लिया, 3 और 1 कितना हो गया भैया 4 हो गया, हो गया 4। अब जो बचे हुए हैं ना उनको भी जोड़ लो, तो 3 और 1 कितना हो गया भैया, ये भी कितना हो गया 4। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है। तो आप मुझे बताओ इनका जो डिफरेंस आया वो कितना आ गया 0। अगर यहाँ पर 0 आता है, अगर यहाँ पर 0 आता है या 11 का कोई भी मल्टीपल आता है, मतलब 11 से डिविजिबल होने वाला कोई भी नंबर आता है तो ये जो नंबर होगा वो एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे 1 4 3, ठीक। अब आपका पसंदीदा ही नंबर है तो आप मुझे बताओ 11 से अगर मैं इसे डिविजिबल करता हूँ तो आप मुझे बताओ पहला डिजिट कोई से भी उठा लीजिए, मैंने उठा लिया 1। अब एक डिजिट छोड़ो, अगला डिजिट उठाओ तो 3 और 1 कितना 4 हो गया, हो गया 4। अब बचा तो ये 4 ही है तो 4 को माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 0। ये 11 से 11 सुनम सुन, अरे 0 भी तो कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो 1 4 3 है ये 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। मेरे ख्याल से रूल क्लियर हो गया जिन्होंने वीडियो नहीं देखा था। अब इस नंबर को देखें, इस नंबर में क्या है 9 7 4 x
एट थ्री, जिन्होंने आंसर दिया वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ कि ये नंबर जो है वो 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल कब होगा, मतलब इसके अल्टरनेट नंबर, मतलब 9 को उठाया मैंने, फिर किसको उठाना है 4 को, फिर किसको उठाना है 8 को, फिर किसको उठाना है 5 को। अब इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, तो 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 5, अरे 21 और 5 कितना 26, इसको ऐड करने पर 26 आ गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे हम फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो पहला ऑप्शन 5 है, अगर मैं 5 वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो इनको जोड़ो 7 और 5 सात 5 12, 12 और 3 15, तो आप मुझे बताओ इसमें से 15 माइनस करोगे या नहीं करोगे, 15 माइनस करोगे तो कितना जाएगा 1 1, अरे 11 आया कि नहीं आया, जब 11 आ गया तो मुझे बताओ क्या ये डिफरेंस जो है वो 11 से डिविजिबल है, अगर डिविजिबल है मतलब हमने जो ऑप्शन रखा है वो बिल्कुल क्या है करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देख लो, हमने अल्टरनेट नंबर लिए 9 4 13 और 8 21, 21 और 5 26, हमने यहाँ लिखा 26, अब जो बचे हुए नंबर है उनको जोड़ना है, तो देखो 7 तो यहाँ है, मैंने ऑप्शन x की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे 5 रख दी पहले ऑप्शन से, तो 7 5 12, 12 और 3 15, अब जोड़ लिया 15, अब जो पहले जोड़ा था 26 और बाद में जोड़ा 15 उसको हमें डिफरेंस लेना है, तो डिफरेंस कितना आ गया 11 का। अब ये जो डिफरेंस है ये 11 से एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं है भैया, बिल्कुल है, तो ये जो नंबर होगा वो भी 11 से डिविजिबल तब होगा जब x की वैल्यू आप क्या रखेंगे 5, मतलब हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया भैया 5 आ गया, हमें अगले ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मिनिमम वैल्यू पूछी क्या नहीं पूछी, अगर पूछता तो हम उसे चेक करके देखते, क्लियर हो गया, तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका हम चेंज करते हैं। आप देखो पहले इन सबको जोड़ो, 9 और 4 कितना 13, आपने सबको जोड़ा कितना आ गया 26, तो आपको मालूम है यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आप रखोगे तो वो जब 7 और इसमें जुड़ेगा तो इसमें से तो माइनस क्यों, तो हम देखते हैं इसको बाद में रखेंगे, हम पहले ये देखते हैं 7 रखा, 7 और 3 कितना हो गया 10, तो हम पहले 10 को माइनस कर, तो 10 को माइनस किया कितना आ गया भैया 16 आ गया 16। अब हमें यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको अगर रखते हैं तो इसमें जोड़ने पर इसमें से माइनस ही तो कर, तो पहले हमने 7 और 3 को क्या कर दिया जोड़ लिया और इसमें से माइनस कर दिया, कितना आ गया 16। अब वैल्यू यहाँ पे जो भी रखोगे उसे डायरेक्ट 16 में से माइनस करो, आप मुझे बताओ 5 रखा 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 माइनस किया तो कितना आ गया 11, ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, अगर 4 रखते हो तो 12 आ जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, 6 रखते हो तो 10 आ जाएगा एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, फिर 7 रखोगे तो भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, इसके क्वेश्चन के जो लेवल है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में और भी ज्यादा डिटेल में बताऊंगा एग्जाम ओरिएंटेड, बस आप ध्यान रखें आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम, एमपी की कोई सी एग्जाम नहीं रुकेगी, लेट्स क्रैक इट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा, अब आपको क्या करना है भैया इसे सॉल्व करके बताना है, जो बताएगा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कमेंट, चलिए बताइए ये जो नंबर है 7x 9x 8 और 1, ये जो नंबर है ये एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है भैया 11 से, जब 11 से डिविजिबल है तो आपको बताना है कि x के प्लेस पर क्या आएगा, भैया यहाँ जो x है और यहाँ जो x है दोनों सेम है ना, ऐसा नहीं होगा यहाँ 3 रख दो यहाँ 7 रख दो, क्लियर, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, तो आप मुझे बताओ क्या रख सकते हैं, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, पहले इन सबको जोड़ लीजिए 7 और 9 16, 16 और 8 24, तो ये 24 तो आ गया। चलिए अब x की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, x और x 2x 2x plus 1, तो इसको हमें माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो 2x plus 1 है तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस। अब आप मुझे बताओ x की वैल्यू पुट करो, तो पहले 5 वैल्यू पुट कर दो, 5 वैल्यू पुट करोगे तो 5 तो नहीं 10 हो गया, अरे हो गया 10, तो 10 रखते हैं यहाँ पे, 24 माइनस 10 माइनस 1, आप बताओ यहाँ पर, एक मिनट एक मिनट ठीक है फिर से देख लेते हैं हम सवाल को, मैंने यहाँ पे लिखा 7x 9x 8 और 1, अब देखो ये 11 से डिविजिबल है, 11 का नियम तो पता ही है, कोई सभी डिजिट उठा लो कॉर्नर का और जोड़ते जाओ 7 और 9 16, 16 और 8 20,
24 हो गया 24। अब इन्हें सबको जोड़ना है, x प्लस x 2x प्लस 1, तो इसे जोड़कर ये हमारा आ गया कितना 2x प्लस 1। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना, तो डिफरेंस लोगे तो ब्रैकेट ओपन होगा तो भैया माइनस होगा, ये तो माइनस हो गया ये 1, ठीक है माइनस 1 हो गया। अब इक्वल x की वैल्यू पुट करना है, तो ऑप्शन देखो यहाँ पे अगर आप 5 रखते हैं तो 5 रखोगे तो कितना आएगा 24 माइनस 10 माइनस 1 बराबर कितना, देखो 10 घटाओगे तो 14 फिर 1 घटाओगे तो कितना 13। तो आप बताइए 11 से डिविजिबल होगा, नहीं आंसर नहीं होगा। फिर आप 5 एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, 4 रखते हैं, 4 रखोगे तो 24 माइनस 8 माइनस 1, तो 24 में 8 माइनस करोगे 16 में से 1 माइनस करोगे 15, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 11 से डिविजिबल नहीं है। 4 भी 11 हो गए, 6 रखते हैं तो 6 रखोगे, ठीक है 6 रखते हैं तो क्या होगा भैया, ये आ जाएगा 24 माइनस 12 माइनस 1, तो 12 माइनस करोगे तो 11, 11 में से 1 माइनस करोगे तो कितना, सॉरी 24 में से 12 माइनस करोगे 11 आएगा, सॉरी 12 आएगा और माइनस 1 करोगे तो 11 आएगा। तो ये 11 कब आ रहा है, जब हमने x की वैल्यू क्या रखी भैया 6 रखी, तो जब 6 रखी तो 11 से 11 डिविजिबल हो जाएगा, मतलब यह जो नंबर है ये तभी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, कब होगा तभी एग्जैक्टली डिविजिबल होगा जब x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 6। जिन जिन का आंसर आपने 6 दिया है इसका वो सही है, बिल्कुल सभी लोग करेक्ट है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, बहुत ही इजी है। अब एक बार मैं इसको शॉर्ट तरीके से और बता देता हूँ, देखो 7x 9x 8 और 1 आपको इसको जोड़ना है, 7 और 9 16, 16 और 8 कितना हो गया 20। अब आप देखो इन सबको तो आप जोड़ोगे फिर इसमें से माइनस करोगे, तो हम 1 को माइनस कर देते हैं पहले, 1 माइनस करोगे कितना आएगा 20 आ गया 23। अब x की वैल्यू 5 रखोगे तो 2 बार रखना पड़ेगा, 5 और 5 10, तो हम डायरेक्ट 10 माइनस करते हैं कितना आएगा 13, तो ये एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल नहीं, आंसर गलत। 4 रखते हैं तो 4 दो 8, 8 रखोगे तो 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया 15 आएगा, ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। फिर 6 रखोगे तो 6 का डबल कितना होगा 12, 23 में से 12 माइनस करोगे कितना आएगा 11, जो कि एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल है, मतलब आंसर हमारा क्या हो गया। आप भैया मैं तो ये समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप इसे जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जल्द से जल्द तो ये बिल्कुल आपको आसान लगेगा। मेरे ख्याल से चीजें क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर है, ऑल क्लियर, ठीक है बड़े आगे चलिए। अगला सवाल है ही नहीं इसमें, ठीक है तो जब सवाल ही नहीं है तो आप देखिए अब ऐसे सवालों को आपको और करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगले पार्ट में मैं और भी डिटेल सवाल लेकर आऊंगा, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है इसे हम अभी पूरा कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम इसके बेसिक्स को समझ रहे हैं। जब पूरा बेसिक आप समझ जाएंगे फिर मैं क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूँ लाऊंगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए लेट्स क्रैक इट, आप जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम को, और यूट्यूब पर आप कमेंट करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भैया सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है, साल भर पढ़ना है, मेरे अलावा मैं भी आपको मिलूंगा, मेरे अलावा भी आपको और भी टीचर्स फैकल्टी मिलेंगी जो कि बहुत ही अच्छी फैकल्टीज हैं, जीएस है, जीके हुआ, सारे सब्जेक्ट की फैकल्टी आपको मिलेगी, उनसे भी पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आप रेफरल कोड का यूज करें और उस रेफरल कोड का नाम है सरकार, बड़ा सरल है, इस रेफरल कोड का यूज करें भाई साहब ताकि आपको ये जो सब्सक्रिप्शन मिल जाए वो कितने में मिलेगा, केवल और केवल 6300 में, या फिर केवल आपको जो 8000 पर डिस्काउंट मिलेगा 10% का, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।